सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खामोशी पर मत जाओ दोस्तों, राग के नीचे अक्सर दाग दबी होती है। साथ निभाने वाले हालात नहीं देखा करते। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। तेरे कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर मथुरा काशी है। आज का पंचांग 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, सम 4:18 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र रात्रि 8:48 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:28 से 2:03 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार, आज दुविधा और उलझन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यह बस ऊपरी आवरण है। जैसे ही स्थिति साफ होती है आप वास्तविकता को देख पाएंगी। शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ सा लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अपना समय लें और चलते रहें, आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन तो जरूर होंगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए शुभ साबित होंगे। पिछले कुछ रुके हुए कार्यों पर आज अधिक समय आप व्यतीत करें। आज उन कार्यों के पूरे होने की उचित संभावना है। किसी नजदीकी मित्र के साथ चल रही गलत फहमियां भी आपसी सामंजस्य से दूर हो जाएगी और संबंध पुनः मधुर बनेंगे। शारीरिक और मानसिक थकान आज आपको महसूस हो सकती है। लोगों की अपेक्षा को पूरा करते समय आपको मानसिक थकान अधिक महसूस होगी। अपने शारीरिक और मानसिक अंदाजा लेकर ही भविष्य में जिम्मेदारियां ले। फिलहाल की नहीं ली गई जिम्मेदारियों को आप टाल नहीं पाएंगे। नौकरी करने वाले लोगों को अपने प्रोजेक्ट से संबंधित बातों को वक्त पर पूरा करने के लिए ओवर टाइम करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इस काम का आर्थिक मुनाफा आपको तुरंत प्राप्त नहीं होगा। पार्टनर एक दूसरे को समझने की कोशिश करने के बावजूद भी कुछ बातों से संबंधित होने वाली विवाद के कारण थोड़ी नाराजगी महसूस होगी। सारे कमजोरी और सिर दर्द अधिक रहेगा, ध्यान रखें। सावधानियां, ध्यान रखें कि आपका थोड़ा सा भी क्रोध और उतावलापन बनते कार्यों में विघ्न डाल सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें। अन्यथा व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार ना करें तो उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी का पारिवारिक लोगों की सलाह आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी, इससे आपके काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। आप में सामाजिक ऊर्जा की अधिकता रहेगी और आप अपने साथी के साथ लोगों से मिल सकते हैं। एक रास्ता आपके स्वभाव में नहीं है, कुछ नवीन करने की कोशिश करें, क्योंकि बोरियत आपके संबंधों पर हावी होती दिख रही है। व्यवसायिक और कार्य क्षेत्र से संबंधित मामले एक जबरदस्त व्यक्ति से आगे बढ़ रहे हैं प्रतीत होता है, मानो आप इस बवंडर में फंस गए हैं। अब ध्यान से देखें, आपका साथी किनारे पर आपका इंतजार कर रहा है। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप चाहते थे, और आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं और आप जो चाहते थे वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन कम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है, आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। आज कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट खत्म कर लें जिसमें आपका बहुत सारा समय लगा हुआ है, या कोई ऐसा काम कर लें
जिसे आप टालते रहे हैं। शाम के लिए मौज मस्ती और कार्ड्स खेलना तय है। नए और पुरानी सभी दोस्तों से बातचीत करें और एंजॉय करें। आज खरीदारी करने में मजा आएगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।